आज की वीडियो में हम आपको बिना टेप का और बिना ग्लू का पतंग बना के दिखाने वाले हैं, जो कि बहुत बढ़िया फ्लाई करेगी, बहुत बढ़िया उड़ेगी। तो इसको बनाने के लिए हमने क्या ले रखा है, आप देख सकते हैं, हमने बस ये धागा ले रखा है। केवल हमको धागा चाहिए और काटने के लिए हमें सीजर चाहिए। कैंची लेने के बाद हमने दो झाड़ू की तिल्ली लेनी है, देख सकते हैं दो झाड़ू की तिल्लियाँ हैं हमारे पास। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो घर में आती होती हैं लिफाफे, जिसमें हम सब्जी लेके आते हैं, किसी भी कलर की होती हैं वो इस तरह होती हैं, देख सकते हैं पूरा लिफाफा है इस तरीके का है। तो इसको क्या करेंगे, हम इसे प्रेस कर देंगे, जिस तरह प्रेस है बिल्कुल इस तरह हम प्रेस करेंगे उसको। और फिर जो ये फालतू हिस्सा है इधर का, पहले हम इधर से काटेंगे क्योंकि हमने इसको खोलना है। चलिए भाई, वो फिर हम यहाँ से कटिंग करते हैं, यहाँ से हम कटिंग कर देंगे और इधर से भी कटिंग कर देंगे हम। तो ये चौरस में कुछ हो जाएगा, फिर इधर से हमने कटिंग कर दिया, फिर अब इधर से भी हमें कटिंग करके पूरा सीधा निकालना होगा, तभी ये खुल पाएगा। इसे क्योंकि हमने खोलना है, ये भाई लोग इसे खोलते हैं हम। तो अब देख सकते हो ये पूरा खुलने लगा, देख सकते हो ये पूरा खुल गया। अब इसको क्या करना है, हमने इसको यहाँ पे पकड़ना है, फिर इसको भी हमने और खोलना है। तो अब देख सकते हो पूरा खुल चुका है, पूरा बराबर में, पूरा इसमें दो काइट हमारी आसानी से बन जाएंगी, नाले बहुत बढ़िया फ्लाई करेंगी। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हमने ऐसे पकड़ना है। आप चाहे तो इधर का भी पासा ले सकते हैं, आप चाहे तो इधर का भी पासा ले सकते हैं, इधर वाले का। फिर हमने यहाँ पे नुक्कर पे पकड़ना है, इसके नुक्कर पे, यहाँ पे नुक्कर पे पकड़ना है, इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे हम। फोल्ड करने के बाद हमारे पास तो ये पतंगा शेप आ जाएगा हमारे पास। इसे हम प्रेस करके जो ये हल्का फालतू हिस्सा होगा इसे हम कटिंग कर देंगे। इसे हम अच्छे से करके फिर इसे कटिंग करेंगे हम। चलिए भाई लोग, हम कटिंग करते हैं, यहाँ से पकड़ेंगे हम इसको और यहाँ से कटिंग करना है। तो भाई लोग, हमने कटिंग करके निकाल दिया, देख सकते हो ये इतना सारा पूरा कितना बढ़िया शेप में निकल चुका है, नाले कितनी बढ़िया हमारी काइट है बनने वाली है। तो अब इस काइट को बनाने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, अब देख सकते हो हमने दो झाड़ू की तिल्ली ले रखे थे। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम नाप लेंगे इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, कि ये पूरा परफेक्ट साइज में आ जाएगा। जो हल्का मोटा होता है इसको हम तोड़ देंगे। तो हमने तोड़ दिया, इसको साफ कर देंगे तिल्ले को हल्का हल्का। तो देख सकते हो ये पूरा हमने तिल्ला साफ कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ बराबर में रख के और सामने देख लेंगे पूरा बराबर में आ जाए। तो यहाँ पे पूरा बराबर में आ रहा है ये। चलिए भाई लोगों, क्या करते हैं, हम यहाँ से तोड़ लेते हैं। तो इसको हमने तोड़ लिया, ये पूरा परफेक्ट साइज में आ चुका है। अब इसको क्या करेंगे, हम ऐसे राउंड शेप देंगे, ऐसे राउंड शेप देंगे तो ये पूरा परफेक्टली शेप में आ जाएगा हमारी जो काइट बनती होती हैं। चलिए इधर से ऐसे पूरा इसे परफेक्ट शेप देते हैं इसको हम। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा परफेक्ट शेप में आ रही है। तो चलिए यहाँ से पहले तोड़ देते हैं हम। तो यहाँ से हमने पूरा साफ कर लिया इसको। चलिए फिर इसको राउंड देके और इसको इधर से भी तोड़ देते हैं, तो ये पूरा परफेक्ट हमारी काइट बन जाएगी। तो चलिए यहाँ से भी तोड़ देते हैं। अब हमने जो जैसे इसके तिल्ले बना लिए अब हम, तो अब हम क्या करेंगे, धागा लेंगे। धागा आप किसी भी कलर का ले सकते हैं, चाहे आप जौन से मर्जी कलर का हो, ब्लैक हो, वाइट हो, पिंक हो, जहरा मर्जी कलर हो, आप वो ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले हम ऊपर पकड़ेंगे, आप चाहे तो ऊपर भी पकड़ सकते हैं, नीचे भी पकड़ सकते हैं, जैसे मर्जी कीजिएगा। तो पहले हमने क्या करना है, पहले यहाँ बांधना है। ये हमारी काइट बहुत बढ़िया फ्लाई करेगी क्योंकि हमारे पास कई बार ग्लू भी नहीं होता और टेप भी नहीं होता। तो हम क्या करते हैं कि इस तरह बना सकते हैं और ये हमारी काइट बहुत बढ़िया बन जाएगी। चलिए भाई लोगों, क्या करते हैं, धागा पकड़ते हैं और इसको यहाँ पे राउंड राउंड घुमा देंगे, ऐसे राउंड घुमा देंगे हम 10-12 बार। घुमाने के बाद इसको क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे गांठ मार देंगे। तो हमने इसको क्या किया, यहाँ पे गांठ मार देते हैं। तो भाई लोगों, हमने यहाँ पे गांठ मार दिया, आपने ऐसे घुमा के इसमें गांठ मार देना है। फिर हमने क्या करना है, इसको कैंची से काट देंगे। तो भाई लोगों, यहाँ पे हमने कर दिया इसको और फिर हम ऊपर पकड़ेंगे इसको यहाँ पे। ऊपर भी सेम इसी प्रक्रिया जैसे हमने नीचे किया था, उस तरह ही हमने यहाँ पर भी करना है। चलिए भाई लोगों, यहाँ पकड़ते हैं हम इसको। हम क्या करते हैं, इसको बराबर में करके और धागा लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से पकड़ के अब इसको लपेटना शुरू कर देते हैं, इसको बांधना, तो जो ये खुलेगा नहीं है। चलिए भाई लोग, अब क्या करते हैं, इसे हम तोड़ देते हैं। तो भाई लोग, अब देख सकते हो पूरा हमने जिस तरह हम बनाते होते हैं आम पतंगे,
टेप लगा के सेम उसी की तरह बनने लगी अभी ये। अब हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे पकड़ के और देख लेंगे पूरा बराबर में आ रहा है, तो पूरा परफेक्ट साइज़ में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर पकड़ेंगे और धागा लेंगे हम और इसके नुक्कड़ पे रख के इसको बांधना है हमने। चलिए भाई लोगों, फिर से हम धागा ले लिए, इसको हम यहाँ पे हल्का हल्का घुमा देंगे, इस तरह हमने घुमा देना है इसको। तो भाई लोगों ये पूरा परफेक्ट साइज़ में आ गया। चलिए इसको भी हम क्या करते हैं गाँठ मार देते हैं। एक गाइड बनानी बहुत ही ज़्यादा आसान होती है भाई लोगों, आप आराम से बना सकते हो। तो देख सकते हो हमने इसको इधर गाँठ मार दिया और इसको हमने जैसा देख सकते हैं पूरा राउंड शेप में आ चुका है, कितना बढ़िया। अब फिर से हम क्या करेंगे इसको तिल्ले को पकड़ेंगे हम, इसको घुमा के ले आके ऐसे इसको यहाँ पे नुक्कड़ जो है इसे यहाँ पर हम इसको धागे से बांध देंगे। तो हमारी काइट बहुत ही बढ़िया बन जाएगी, जिस तरह हमने इधर से किया उसी तरह हमने इधर से भी करना है। तो चलिए फिर क्या करते हैं इसको भी हम गाँठ मार देते हैं। तो हमने धागा ले लिया भाई लोगों, तो चलिए क्या करते हैं इसको पकड़ते हैं और इसको घुमाना स्टार्ट करके इसको बांध देते हैं। बांधने के बाद इसमें फिर से हम दो तीन गाँठ मार देंगे, दोबारा इसमें हम दो तीन गाँठ मार देंगे तो पूरा परफेक्ट साइज़ में हो जाएगा। अब जैसे कि हमारी काइट पूरी बन चुकी है, ना इसमें हमने टेप यूज़ किया ना इसमें हमने ग्लू यूज़ किया, बिना टेप और बिना ग्लू के काइट कितनी बढ़िया बन के रेडी हो चुकी है, कितना बढ़िया बन चुका है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे पूंछ वाला डिज़ाइन देंगे, क्योंकि हमारी जो काइट जो होती है बिना पूंछ के अधूरी लगती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जो ये वाला टोटा निकाला था हमने, इसी से हम इसका पूंछ का डिज़ाइन दे देते हैं। ये वाला जो ये टोटा निकला हुआ है इसी से हम इसका पूंछ का डिज़ाइन देते हैं। चलिए फिर हम क्या करते हैं सीजर हमने कैंची ले लिया, इसको क्या करेंगे ऐसे ट्रायंगल शेप में निकाल देंगे और फिर क्या करेंगे हम ऐसे कर देंगे यहाँ से यहाँ पे। भाई लोग ऐसे करने के बाद फिर हम क्या करेंगे ऐसे पतंग के ऊपर रख के इसको हमने यहाँ पर बांधना है। क्योंकि आप देखिए हमारी पतंग कितनी बढ़िया लगने लगी, कितनी बढ़िया लग रही है ना, कितनी थोड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, जैसे लग रही है बाजार वाली हमारी पतंग खरीदी हुई है ये। चलिए भाई लोगों क्या करते हैं हम धागा लेते हैं इसके नीचे पूंछ पे बांध देते हैं। धागा ले लेंगे हम, इसको फटाफट बांध देते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो भाई लोगों आप देख सकते हो हमारी ये काइट बन के पूरी तैयार हो चुकी है ना, लेकिन कितनी बढ़िया लग रही है ना। हमने इसमें ग्लू यूज़ किया ना इसमें टेप, और केवल हमने इस धागे की मदद से अपनी काइट पूरी तैयार कर ली है। चलिए भाई लोगों इसमें हम कन्ने को ने बांधते हैं और इसको आपको फ्लाई करके दिखाते हैं कि हमारी काइट कैसे उड़ती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तक ले जय हिंद जय भारत।